मैं चाहता हूँ मैं यहाँ थोड़ी देर और रुकूं, बट DGX देखो ये होती है असली डाइट कॉन्शियस, है ना, सुबह सुबह फन फ्लिप्स खाए जा रहे हैं ना। जस्ट तो वॉलपेपर लगा यार, दीदी मत करो यार, आपको पता नहीं तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हारे में हो रहा है, मेरे को नहीं पसंद। हाँ, तो हट जाओ। मेरा ही टैब है ये, मेरा है जो मैंने आपको दे दिया, मेरा है, मेरा ये मेरा नाम है अभी 20 पे, मेरे नाम पे मिला था ये मेरे को, ये मेरा बायजूस वाला है। बेटा नहीं, बायजूस वाला नहीं है, बायजूस वाला ये तुम्हारा वाला देके ही आया। ठीक। फिर ठीक है, फिर तो तेरा है, ये खिला दे थोड़े से भाई को। गुड मॉर्निंग नमस्ते कुछ करते हैं? नहीं करो। नहीं, अब आपको सिखाना पड़ेगा, गुड मॉर्निंग नमस्ते करो मेरे को। गुड मॉर्निंग सर। और नमस्ते भैया बोलो, हाथ जोड़ के नमस्ते। नमस्ते भैया। पूरा मसाला उड़ा दे मेरे ऊपर, है ना। एक काम कर, एक फन फ्लिप ले, दीदी के सिर पे झाड़ दे और बोल दे डैंड्रफ हो गई। भाई क्लियर कैमरा का तो फायदा नहीं हो, क्वालिटी तब भी थोड़ी डाउन ही रही जब सॉफ्टवेयर में गई वो अपडेट होने, मतलब जब सॉफ्टवेयर में भी मैं एडिट कर रहा था तब ना क्वालिटी सेम ही लगी मेरे को, ज्यादा चेंज लगा चेंज बट उतना नहीं लगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर में जाके क्वालिटी डिफरेंट हो जाती है और यहाँ डिफरेंट दिखती है डिस्प्ले एंड ऑल, बट आई डोंट नो उधर जाके क्वालिटी जितनी यहाँ दिख रही है वैसी वही होगी, बट वो डिस्प्ले के चक्कर मेरे को कम लग रही हो। दीदी पता नहीं क्यों मेरे फोन का ऑफर रिजेक्ट कर रही है, मैं देना चाह रहा हूँ, आप ले सकते हो दीदी। अगर मैं किसी और को ऑफर देता ना तो कोई वो शायद से एक बार वो रिफ्यूज नहीं करता, पता नहीं सीमा दीदी ऐसे एकदम से क्या एक्ट कर रही है कि उनको वो ऑफर। आई एम गिविंग हर माई न्यू ओल्ड फोन, मेकिंग इट लाइक गेटिंग इट रिपेयर्ड एंड देन गिविंग इट टू हर, ऐसे नहीं जिस कंडीशन में उसने नहीं उस पर रिपेयर करा के ठीक करवा के फिर दूंगा, स्क्रीन चेंज करवा के स्पीकर से करवा के अच्छे से फिर दूंगा, बैटरी बुटरी चेंज करा के एकदम ब्रांड न्यू बना के दे दूंगा इनको। बट दीदी तो दीदी कह रही मैं लूंगी तो 13 लूंगी और अगले साल ले लूंगी मैं, मैंने ये तो ले लूं फॉर द टाइमिंग। जो होप कर रहा था इशू ना आए, पूरा व्लॉग अब हो चुका है ऐसे इश्यूज पे, पूरा व्लॉग एडिट होने के बाद पूरा ब्लैक स्क्रीन हो चुका है, A to Z फाइल यहाँ पे है, अभी थोड़ी देर में ये भी ब्लैक स्क्रीन हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तक तो हो गई है, अब मैं कैसे करूँ यार, मैं कैसे मैनेज करूँ यार, पूरा व्लॉग गया मेरा तो ऐसे पूरा वेस्ट हो गया, बस यही डर था मेरे को ये अपग्रेड करने का। अब मैं किस क्वालिटी पे, अगर मैं प्रो रीस पे करूँ एक बार 15 GB का व्लॉग बनेगा, इसे प्रो रीस पे करूंगा तो बेस्ट एकदम, कंप्रेशन भी एक बार को बेटर क्वालिटी कर देता हूँ, चलो लो मैं रिकॉर्ड करके भी क्या फायदा, जब तक ये नहीं आएगा तो उसका रिकॉर्ड करने का क्या फायदा, पूरा भी देखना एकदम से फेल्ड आ जाएगा लिखा हुआ, iMovie एक्सपोर्टिंग हैज बीन फेल्ड, ले हो गया सारा गार्बेज हो गया अपना। वैसे भी पहले के एक मिनट की, मतलब 1.5 मिनट का है, 4 क्लिप्स का मिला के 1.5 मिनट की एक फाइल है, ठीक है, पूरी ब्लैकआउट हो चुकी है, उसके आगे का सही है लेकिन उसके पीछे की पूरी ब्लैकआउट हो चुकी है, ले मी पूरा एक बार चेक भी कर लेता हूँ मैं फॉर बेटरमेंट, रिस्क लेके 1.5 मिनट की एक बार एडिट मार लेते हैं देन एक बार रेंडर करेंगे, अब हो जाए, अब दिक्कत ना हो, मेरे को पता भी इशू मेरे को फेस करने पड़ेंगे क्योंकि मेरा मैकबुक सपोर्ट नहीं करता है, आई हैव टू अपडेट, अब सॉफ्टवेयर अपडेट है जिसका करता हूँ, एक बार ब्लॉग चढ़ा दूं ना उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट करके खत्म करो भाई से, ये देख लो ये होता है स्ट्रगल्स ऑफ अ व्लॉगर। अभी ये जो फाइल थी जो पिछली 3-4 वीडियो की थी उनको फोन में एक सॉफ्टवेयर में डाला कैप एंड कट, वहां से रेंडर मार के फिर इधर डाला है, तो हर व्लॉग में थोड़ा ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, बिफोर पुटिंग इट टू माई लैपटॉप आई हैव टू मेक अ रेंडर ऑफ ऑल द फाइल्स एक साथ कंपाइल करके, एडिट तो फाइनल एडिट इधर ही होगा लेकिन उनको एक साथ जोड़ दूं, एक फाइल बड़ी बन जाए और उसको इधर रेंडर मारूंगा फोन में, फिर फोन से इधर ट्रांसफर करूंगा, फिर यहाँ फाइनल एडिट मारूंगा और वहां फिर खत्म। वीडियो वेरी हेक्टिक वर्क बट वी हैव टू डू इट इफ वी नीड टू व्लॉग अच्छे से। अनदर रेंडर, फिंगर्स क्रॉस किया हो जाए, पूरा फिक्स कर दिया मैंने आगे का, एक बार मैं वापस रीचेक कर लेता हूं, तो मैंने व्लॉग देख लिया है, अब कोई ब्लैक फाइल नहीं है। हमारी सोसाइटी के 10 साल पूरे होने पे ये स्पेशल इवेंट हो रहा है, बहुत बढ़िया सा, यानी कि कल जब हमारी लॉन्ग राइड है आपके लिए आज, तो कल मेरी ओला की एक और लॉन्ग राइड है, उसके लिए मेरे को थोड़ा भी प्रिपेयर भी करना है, और अभी मैं थोड़ी देर में बुआ के यहाँ भी निकलूंगा तो साइरस को चार्जिंग पे लगाने जा रहा हूँ, बोर हो रहे तो कहा चलो एक बुआ के यहाँ नमस्ते वाला चक्कर ही मारा था, जो 1:30 बजे अराउंड निकलेंगे बुआ से मिल के आएंगे और आज इससे मोटो व्लॉगिंग करेंगे, मोटो व्लॉगिंग इन जनरल बड़े दिनों बात करेंगे और इससे भी करेंगे और वहां जाके ट्राई करेंगे मोटो व्लॉगिंग का नया अमाउंट लेने की बुआ के यहाँ जाके। कालू आ गया है, आगे तू आगे इधर है, अब नाना नानी 2 दिन नहीं है घर पे तो आप भी यही रहोगे हैं, आप तो बल्ले बल्ले करोगे यहाँ, आपको ये तो मजा आ गए। उस दिन जो हम ये क्विक फिक्स लाए थे स्कूटी चिपकाने के लिए, स्कूटी में तो ये ज्यादा काम नहीं है, हेल्प तो हो गई लेकिन उतनी नहीं हुई, बट हमने कहा माउंट तो इससे चिपका लिया, तो हमने माउंट चिपका तो दिए जितना टूटा हुआ हिस्सा था, अब इसको इसमें हम ड्रायर मार के जल्दी से सुखा देते और इसको एकदम टाइट कर देते एकदम, जिससे अब आगे जाके फिर दिक्कत ना, एकदम बढ़िया हो जाए मामला। बहुत ही काट पीड़ जोड़म जाड़ के बाद फाइनली हमने इसको यहाँ से काट के अब परमानेंट जुगाड़ बना दिया है ये, क्योंकि अपना पुराना वाला तो क्विक फिक्स है, फिक्स हो गया है बट नहीं भी हुआ एक तरह से, इसको मैंने अभी थोड़ी देर और छोड़ा हुआ है, इसको धूप में ऐसे छोड़ दूंगा, उल्टा ये तो निकाल लूंगा, तो काम का माउंट है ये छोड़ दूंगा ऐसे, क्योंकि ये मेन हिस्सा ये होता है इसका पूरे माउंट का जो अड़ता है, ठीक है, और वो मेरी सेल्फी स्टिक जो बहुत पुरानी वाली उसमें रेडीमेड ही था, जो मैंने आपको बहुत पहले दिखाया था व्हाइट वाला, उस घर में जो दिखाया था वो वाला ही लगा के खत्म करो, उसमें थोड़ी काटम पीटी करी लगा दिया, वो परमानेंट जुगाड़ तो वो ही है, बट ये ट्राई करूंगा मैं कहीं ना कहीं से निकाल लेंगे, बहुत चीजों की घर में जन से निकल जाएगा, और ना बुआ कहाँ जा रहे हैं नया माउंट तो ले, माउंट नहीं लाएंगे तो माउंट का हो गया वैसे,
बड़ा। अभी अगर आप इना वाइल इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो तो आपने गाना सुना होगा ब्रैम्पटन विच मुंडा रहिंदा सुन ये पंजाबी है। अभी हमारा वर्जन नोएडा विच मुंडा रहिंदा जाना मैं मोती नगर ए गड्डी ओला स्कूटर स्पीकर रत बज दिए ना के मुझ के रेडी दवाई भी लगा लिए। ये देख लो ये आ जाती इसको कुछ भी होता ये आ जाती सबसे पहले। अब निकल जा फटाफट भाई निकलना होता 1:30 बजे था 1:30 के 3:30 बजा दिया हमने। अब जाके निकल रहा हूँ मैं। क्या पेपर सो? हाँ अभी निकल रहा हूँ। अब मैं पहुंचूंगा 4:45 अराउंड पहुंच जाऊंगा। फिर वहां पता नहीं क्यों जा रहा हूँ, बस मैं जा रहा हूँ ऐसी गेड़ी मारने। एक्चुअली बुआ के यहाँ जाए ऐसे दिल्ली घूम ले। एक काम करे दिल्ली में घूम लेते बुआ के यहाँ छोड़ो या बुआ के यहाँ भी चले जाते हैं। अब बोल दिया और मौसम में बहुत ही अजीब सा तनाव दिखता हुआ। चलो जी चलते हैं। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी आर डूइंग दिस इन विद द न्यू फोन। मैंने क्या बोला था आपको जब लास्ट मोटो व्लॉगिंग करी थी, इफ यू गाइस रिमेंबर, कि अब नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे न्यू फोन से करेंगे विद एवरीथिंग फिक्स्ड एंड आल्सो इट्स फिक्स्ड। और इतना टाइम बाद मैंने हेलमेट भी बनाया तो अच्छा लग रहा है। रेंज इज 126 किलोमीटर। आई एम स्टिल डाइजेस्ट अप ऑन माय ओपिनियन कि शुड आई गो टू बुआ हाउस और शुड आई डू दिल्ली दर्शन। सी टेक्निकली वी सी तो बुआ का मेरे को 2 नंबर 29 and 30 जाना है क्योंकि MUN के बाद वहीं जाऊंगा मैं ऐसे टाइम पास करने थोड़ा या मिलने। बट मैंने बुआ को बोल भी दिया और अगर नहीं जाता तो फिर उनको बुरा लगेगा। बट बुआ कैन अंडरस्टैंड कि हाँ चलो दिल्ली अपना घूमने ही आ गया बोर हो रहा था। एक काम करते हैं हम बस निकल पड़ते हैं एक राही की तरह। लोकेशन नहीं पता, लोकेशन भी नहीं लगा रहे, कोई रैंडम सी जगह घुमाते टाइम पास भी हो जाएगा एंड अपना सेल्फ। बहुत टाइम हो गया अकेले ऐसे बाहर निकले हुए मोटर व्लॉगिंग करते हुए, स्कूटी पे कोई जगह एक्सप्लोर करने गए ऐसे। लास्ट अभी हम उपहार से नहीं गए मतलब प्रॉपर जो दिल्ली साइड में अच्छे एक्सप्लोर करने गए हूँ वैसी फीलिंग लेते हुए। उपहार सिनेमा तो 2 मिनट चले गए। सो इट्स अनप्लान्ड वेयर आई एम गोइंग आई आल्सो डोंट नो वी विल डिसाइडेड ऑन द वे। मेरे को रेंज वेस्ट नहीं करनी बट अब जब इस रोड पे एक बार खींचा मार ही देते हैं कि बड़े दिन हो गए स्कूटी भी खींचा। बस 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 वन जगह ठंड पाले ठंड पाले। बहुत कितनी खींच दी मेरे ने ध्यान नहीं दिया खींच गई होगी। मेरा तो ध्यान रोड पे था आप लोगों ने देखा होगा पता नहीं अब एडिटिंग के टाइम ही मेरे को पता चलेगा। बट एकदम तो जर्क आता ना खींच के डर सा तो लगता है कितनी स्पीड में चला रहे हो तुम वन जगह। बट चलो कोई ना एक्सपीरियंस बोलता है दोस्तों। एंड आई एम डूइंग एन MUN आफ्टर 2 long years। लास्ट मैंने 2020 में करा था 2018, 2019 and 2020 मैंने पूरे MUNs करे। 2020 में लास्ट करा था मैंने बस उसके बाद जाके अब कर रहा हूँ मैं। सो 2 साल के बाद मैं आया था वहाँ अपना मॉन्यूमेंट है उस साइड वो एक्सप्लोर करने और गलती से मैं आगे आ गया। बट आगे आके मेरे को इतना प्यारा घर और उसके सामने पोर्शे 911 करेरा खड़ी हुई दिखी। ऑल्दो इट्स कवर्ड बट स्टिल मैन इट्स अ बीस्ट। और जिस बंदे का भी घर कितना बड़ा और कितना मैसिव और हद ही प्यारा घर है भाई। हाउ कैन वी फॉरगेट वी आर इन साउथ दिल्ली राइट नाउ भाया वाली जगह। तो भाया वाली जगह में तो ऐसी प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी ना भाया। ये प्रॉपर्टी रोज हम JLN से जाते हुए देखते थे, आज हमने कहा एक्सप्लोर भी कर लेते हैं इसको। और ये बहुत ही मतलब वेल मेंटेन मॉन्यूमेंट है, अच्छी से एंट्री भी इसकी है भाई, तगड़ी ब्यूटी भाई। ऑनलाइन इनके कोड पे टिकट अवेलेबल नहीं है वो उसमें लिखा आ रहा है उसमें 20 रुपए की। अब ये लो कैश और कैश ले मतलब ये ऑनलाइन पेमेंट वैसे नहीं ले रहे मेरे से, ये कह रहे कैश दो, कैश 35 रुपए और ऑनलाइन 20 रुपए। अब यही खड़ा हूँ मैं, अब जा भी नहीं सकता अंदर। मैंने 2 मिनट घूम के आ जाता हूँ वो भी नहीं। खाने खाना नाम है खाना है खाना इस जगह का नाम, आई माइट हैव स्पेल्ड इट रॉन्ग बट हाँ। चलो हो गया थोड़ा सर्वर का प्रॉब्लम बट था मतलब सॉर्ट हो गया। लेकिन ये जो गार्ड भी अंदर है थोड़े रूड से लगे यार मेरे को, मतलब वो क्या बोलते हैं टिकट लोड नहीं हो रही, पेमेंट भी होगी सब हो गया। मैंने पेमेंट भी हो गया टिकट लोड होने में नेट की दिक्कत हो रही है तो भैया बड़े रूड होने लग गए, कह रहे हैं कि नहीं पहले मेरे को दिखाओ दिखाओ। दूसरे भैया तो उन्होंने चलो गा रहे आप जाओ भैया क्या लड़ रहे हो आप भी। मैंने लड़ थोड़ा ना, मैं तो आराम से पूछ रहा हूँ बोल रहा हूँ भैया नहीं हुई अभी। दिस इज द मैसिव मॉन्यूमेंट, इधर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इसके बारे में। हमारी हिंदी कमजोर है तो हम इतना अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे बट आप लोग पढ़ लीजिए पॉज करके पढ़ते रहिएगा। हम ऊपर जाते हैं क्योंकि इसमें ऊपर जाने का अलाउड है। थम्स अप फॉर वन थिंग एट दिस प्रॉपर्टी। मैं अब इतने सारे मॉन्यूमेंट्स आप लोगों के साथ घूमो एंड ऑल, ये छोटी सी है इतनी बड़ी नहीं है बट इट्स वे मोर नीट एंड क्लीन, ना ज्यादा ना क्राउड ही नहीं मतलब क्योंकि टाइप ऑफ हिडन होगा आई गेस, बट वे मोर नीट एंड क्लीन देन एनी अदर हेरिटेज टॉम्ब और प्रॉपर्टी आई हैव विजिटेड। ये क्या है डब्बे डुब्बे पड़े हुए अंदर, अच्छा ये उधर से नीचे जाने का पूरा अंदर की तरफ रास्ता होगा। ये मैं सोचू अमेज़न के डब्बे यहाँ कर रहे हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट नो द हिस्ट्री ऑफ दिस प्लेस सो डोंट कोट मी, मेरे को कुछ नहीं पता इस प्लेस के बारे में। आई जस्ट केम हियर टू जस्ट
make a visit for my own satisfaction, that's all. दोस्तों यहाँ का रास्ता योगा इसके अंदर नीचे जाने का रास्ता और यह है ऊपर आने का रास्ता। सीढ़ियाँ स्टीप तो नहीं है, सही है। वाह मेरे राज दरबार की एंट्री तो देखो एकदम बढ़िया। दरवाजा अंदर जा सकते हैं? अच्छा जा सकते हैं अंदर। दरवाजे वो सो दिस माइट बी द कब्र एंड दिस इज द होल हॉल जो हर मॉन्यूमेंट में होता ही है। एको है बहुत तगड़ी। बट मैन नहीं यार मजाक से हट के, दिस द क्लीनेस्ट प्रॉपर्टी आई हैव एवर विजिटेड सो फार, लाइक क्लीनेस्ट। अच्छा ज्यादा क्राउड नहीं आता वरना इसका हाल भी बाकी मॉन्यूमेंट्स की तरह हो जाता। दरवाजा कितना भारी है मां कसम। ये जो मेरे पीछे दीदी फोटो शूट कर रही है ना, तो मैं सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहा था, दीदी ऐसे बैठी हुई थी, मेरे को तो पता नहीं था कोई ऊपर, क्योंकि नीचे देख नहीं रहा था, अभी सीढ़ियों की तरफ थी। मैं डर गया एकदम से। वो फिर वो भी हंसने लग गया, अपने ये लोग हाँ वो बनाने आए होंगे ना रीले शीले। और ये उस टाइम का स्विमिंग पूल होता होगा, यहाँ बैठते होंगे लोग और यहाँ नीचे छप छप करते होंगे। आई डोंट नो इट्स जस्ट या आप लोगों को भी इतनी क्यूरियोसिटी होती होगी, ऑब्वियसली होती होगी शायद, जो ये दरवाजे बंद करके रखते हैं ना हर मॉन्यूमेंट में, इंसान के अंदर चुल होती है कुछ ना कुछ एक सोर्स मिल जाए, कहीं ना कहीं से और रास्ता मिल जाए जहाँ से हम चले जाए अंदर। क्योंकि इन सारी दरवाजों के अंदर का राज ना इन लोगों को जानने की मतलब बहुत चुल होती है, एंड आई एम वन ऑफ देम कि हाँ मेरे को जानना है कि उस दरवाजे के अंदर एक्चुअली है क्या, क्यों वो बंद है। शायद से कुछ पैरानॉर्मल हो, शायद से कुछ ऐसी चीज हो जो लोगों को दिखाना नहीं है क्योंकि वो बहुत ही हिडन है, शायद से कुछ भी हो सकता है। सो ये सारे क्वेश्चन आते रहते हैं माइंड में, एंड इट्स रिस्पेक्टेबल कि हाँ बंद कर रखा है कि कुछ ना कुछ होगी। हमारे घर पे और प्राइवेसी क्या होता है, दरवाजा खोल खोल दरवाजा, ये होती है प्राइवेसी हमारे। अच्छा इधर ये चीजें भी है उस टाइम भी सारी, कि ये कैसे था क्या था यहाँ क्या क्या होता था एंड ऑल। एक चीज आपको मैं कट एंड क्लियर बता देता हूँ, इन पे ज्यादा लोग आते नहीं है तो इसलिए ये लूटने के लिए तैयार रहेंगे आपको कैसे ना कैसे तरीके से, या तो पार्किंग की मोड से या किसी मोड से। पार्किंग का पहले नहीं बताया फिर अभी बोल रहे जाते 10 रुपए पार्किंग के दो। उससे पहले थोड़े एक गार्ड भैया रूड है, दूसरे थोड़े समझदार भी हैं। क्या बोलते हैं टिकट आ नहीं रही थी, मैंने पे भी कर दिया, मेरे पैसे कट गए, 12 घंटे वापस आ जाएंगे। मैंने इनको तभी अगर रुक जाती पेमेंट तो आते, रिवर्स हो जाते हैं। जब पैसे कट जाते तब नहीं आते, जब मैसेज भी आ जाता है ऑफिशियल। अभी 5 मिनट इनके साथ मत्था पच्ची करिए। प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं है बट ये स्टाफ की दिक्कत है बस। फिर हेयर एट इंडिया गेट, आज बहुत भीड़ है यार इधर। इधर नीचे जो नया रास्ता खुला नीचे जाने का प्लान तो है वहाँ जाने का, तो नेक्स्ट वीकेंड ट्राई करेंगे इंडिया गेट जो अच्छे से बन चुका पूरा, वो पूरा एक्सप्लोर करने का। कस्टमर के सामने डांट नहीं लगाते, इम्प्रेशन अच्छा नहीं जाता। आते ही डांट लगा दी कस्टमर के सामने। और वो कहा वो गंजे भैया कहाँ का पिस्तौल भाई। मैं यहाँ से घुसा, वो हेडबैंड पहना हुआ था, इसको उतार दे तू गुंडा लगता है चिल्लाते, और कस्टमर इधर एग्जैक्टली इधर बैठी हुई है। अच्छा डेली आते हैं फिर तो ठीक है, फिर चलता है। नहीं बुआ किसी के साथ भी फ्रैंक हो जाती है बहुत जल्दी, वही तो दिक्कत है। लेकिन बाल कटा के क्या फायदा है बताओ, वापस बढ़ जाने। रोटी खा के भी क्या फायदा, वापस भूख लग जाती है। वही बात सही है, नहीं, रोटी तो एक एसेंशियल है ना, बाल तो ठीक है चलता सेकेंडरी चीज है। भाई चलो आ गए थे नेताजी से मिलने और जीरा भाई से मिलने। जीरा भाई के नाम के पीछे बहुत ही लंबी कहानी जो हम बताना नहीं चाहेंगे, जो हम बताना नहीं चाहे। ये जल जीरा इसको बहुत पसंद है इसलिए हमने इसका नाम जीरा रख दिया। ये हमने सोबर कहानी बता दी है, अब बाकी जो है वो दोस्तों के बीचों की कहानी होनी। अभी हम जा रहे हैं स्पेक्टर मॉल, पीनट्स खाता है। हम पीनट्स तो खाते हैं भाई, क्या दिक्कत है, बढ़िया है। हाँ पीनट्स खाते हैं भाई, पीनट्स सब खाते हैं। वही अभी हम सामने मॉल है वहाँ जा रहे हैं, उसकी ओपनिंग भी हो रही है और वहाँ कॉन्सर्ट हो रहा है, कोई बड़े आर्टिस्ट आ रखे, मीट ब्रोज आ रखे और पता नहीं कौन कौन आ रखे हैं। तो हम पैदल ही जा रहे हैं भैया, अंदर जाने हम लोग को। हाँ फ्री है, गुदो, गुदो, ओपन फॉर ऑल। पान बनारस वाला भाई, फ्री का कॉन्सर्ट में तो बहुत जनता आ रखी है। बस क्राय डबल। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसान। वही तो चलो भाई घर भी आ गए हैं फाइनली, अब निकलते हैं, सॉरी निकलते हैं बोल रहा हूँ, फटाफट जाकर एडिटिंग करेंगे, बुरी रात तो सोना नहीं क्योंकि सुबह 5 बजे ऑलमोस्ट 5 बजे 4:30 अराउंड निकल जाना है, क्योंकि यहाँ से 30 किलोमीटर मीटिंग स्पॉट है, फिर वहाँ से 80 किलोमीटर से, तो इट्स गोना बी लॉन्गेस्ट राइड देन लास्ट वन, बहुत ज्यादा लंबी होगी। वन साइड इज 120 किलोमीटर। कोई बात नहीं, फिलहाल आज के ब्लॉग यहीं रैप अप करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके जाना, अगर मन करे तो
दिस इज वी बॉय के वंश साइनिंग ऑफ एंड लव लॉग एट सिग्नल एंड बाइकल्स मिलते हैं बहुत ही बड़े ब्लॉग के साथ गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट वन अब जाएंगे बिग बॉस देखेंगे एडिटिंग करेंगे देन रात में भेड़िया या वकांडा फॉरएवर देखेंगे ये देखो टॉपर लोग पढ़ाई कर रहे हैं यहां पे कब से नहीं नहाई हो शुभ्रा यार